हिमाचल में आने वाले भविष्य के शिक्षकों का प्रशिक्षण क्लासरूम में नहीं हो रहा है, इनको प्रशिक्षण हॉस्टल के कमरों में दरियों पर बिठा दिया जा रहा है। हैरानी की बात है कि बिना किसी तैयारी के सरकार ने एक साल में 200 के करीब प्रशिक्षकों के 3 बैच शुरू करवा दिए हैं। सरकार व शिक्षा विभाग की गलत निर्णय की वजह से आज छात्रों को सही प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है, जिसका खामियाजा आने वाले वक्त में उन छात्रों को झेलना पड़ेगा जो इनके पास पढ़ाई करेंगे, क्योंकि जिन प्रशिक्षकों अध्यापकों को ऐसा प्रशिक्षण मिलेगा तो उनसे भविष्य में बेहतर शिक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है। प्रदेश के डाइट सेंटरों में इन प्रशिक्षकों अध्यापकों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में ना तो शिक्षक हैं, ना ही बैठने के बेहतर व्यवस्था है और ना ही नियमित कक्षाएं दी जा रही हैं। जब कार्यरत शिक्षकों की ट्रेनिंग शेड्यूल आता है तो उन्हें अचानक छुट्टी पर जाना पड़ता है। पिछले वर्ष सरकार ने एक साल में 2 सत्र शुरू कर दिए। एक सत्र पहले से ही चल रहा था, इसके चलते डाइट प्रशिक्षण केंद्र में करीब 600 से अधिक छात्र छात्राएं एक साथ पढ़ने को मजबूर हैं। जेबीटी की जगह चल रहे डीएलएड प्रशिक्षण में प्रशिक्षकों अध्यापकों को पर्याप्त क्लासरूम न होने के कारण उन्हें हॉस्टल में पढ़ाई करनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, यहाँ उनके लिए किसी भी तरह के बेंच या कुर्सियों की व्यवस्था नहीं की गई है, बल्कि उन्हें दरियों पर बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। प्रदेश भर में डाइट सेंटरों में करीब 200 डीएलएड प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है, लेकिन प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष एक बैच की ट्रेनिंग पूरी किए बिना ही दूसरा बैच शुरू कर दिया है। इन प्रशिक्षकों अध्यापकों को ट्रेनिंग से पता चलेगा कि सरकार अच्छी गुणवत्ता के वायदे कैसे पूरे कर पाएगी। केंद्र सरकार शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए राज्य सरकार को हर वर्ष करोड़ों रुपया मुहैया करवा रही है, लेकिन धरातल पर कुछ अलग ही नजर आ रहा है। डाइट संस्थान धर्मशाला के प्रधानाचार्य डीपी शर्मा का कहना है कि फिलहाल गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल के कमरों में इन प्रशिक्षकों अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कमरों की कमी के कारण ये समस्या पैदा हुई है, फिर भी संस्थान की तरफ से बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है। प्रोग्राम एक ये है कि अभी जो हमारे पास जो ये जो नैश का सर्वे हुआ है, उस नैश का नेशनल अचीवमेंट सर्वे और असर जिन्होंने भी एक सर्वे किया है, उस सर्वे की जो अवैल्यूएशन और जो रिपोर्टिंग है, उस रिपोर्टिंग में थोड़ा ये चीजें सामने आई, कुछ हार्ड कोर एरिए सामने आए हैं कि जहां जहां बच्चे जो हमारे इसी एरिया में पर सब्जेक्ट वो कमजोर है। अब उसके ऊपर ही अभी ये 2 दिन पहले हमने ये इसकी वर्कशॉपें हुई हैं दोनों CSTO से और इनसे प्रिंसिपल से अच्छी इंट्रेक्शन हुई है, डीसी महोदय के द्वारा भी, हमारे द्वारा भी। इसमें एक चीज ये है कि अब ये लग जो 1 अप्रैल ऑनवर्ड जो हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है, उस सेशन में सारा का सारा क्लास टीचिंग जो फोकस होगी वो होगी लर्निंग आउटकम के ऊपर फोकस होगी, सीखने के प्रति। जो नैस के सर्वे में जो चीजें सामने आई हैं कि पर सब्जेक्ट ये हार्ड कोर एरियाज हैं और यहाँ इन बच्चों को ये डिफिकल्टी है, उनके क्वेश्चन बैंक बनाएंगे और जिस क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए ही फिर ये उसका फायदा ये होगा कि हमारे जो बच्चे वो कम्पिटेटिव एग्जाम में 10th पास करने के बाद, +2 पास करने के बाद कि कम्पिटेटिव एग्जाम में उनको आसानी हो, तो उनको एक मटेरियल मिल जाए वो, हाँ, तो उस मटेरियल के लिए की डेवलपमेंट के लिए, उस क्वेश्चन बैंक की डेवलपमेंट के लिए सीमेंट में हमारे SSAR में से स्टेट प्रोजेक्ट की ओर से 26 मार्च 2018 से लेकर के अप्रैल 27, 2018 तक इन 5 विषयों में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मेंटल एबिलिटी, इन 5 के ऊपर जो एक ट्रेनिंग शेड्यूल्स की गई हैं और उस ट्रेनिंग शेड्यूल में हरेक डिस्ट्रिक्ट से 4-4 लेक्चर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो है उनको बुलाया गया है, उनको वो वहाँ ट्रेन किया जाएगा और ट्रेन करने के बाद वो फील्ड में आकर के फिर अपने ब्लॉक लेवल पर, अपने खंड लेवल पर टीचरों के सहयोग से, प्रिंसिपल्स के, डायरेक्टर्स के ऊपर वो क्वेश्चन बैंक जो उसको तैयार करेंगे। और डाइट्स को भी जिम्मेवारी है कि डाइट्स जो है वो उनको एसोसिएट करेगी और डाइट भी अपनी तरफ से
ऐसी पहल जो उसको करेगी और उसको बुरे ट्रेन करेगी, ये इसके ऊपर ये है। और दूसरा जो ये एम साहब का डायरेक्टिव है, हमारे डॉक्टर साहब का डायरेक्टिव है कि हर एक अध्यापक जो है उसका एक टीचर पोर्टल बना है, उस टीचर पोर्टल में सारे अध्यापकों का बायोडाटा जो है उसमें अपलोड होगा। उससे सरकार ये चाहती है और विभाग ये चाहता है, उससे जो फायदा ये होगा कि हमें उस टीचर के बारे में जानने में, एक तो उसकी या तो उसकी उसकी प्रमोशन के ऊपर, उसकी एक मेसियाज के ऊपर जो भी क्वारीज रहती हैं, उन क्वारीज को बिना फील्ड में चिट्ठी सर्कुलेट किए हुए वहां से कलेक्ट करके उनको टाइम टू टाइम जो उनके डिजाइन बेनिफिट जो उसको इजीली प्रोवाइड किया जा सकता है, ये ईएम साहब का डायरेक्टिव। आप अभी फर्स्ट ईयर में कैसे पढ़ाई होती है यहाँ पे? पढ़ाई चल रही है, जो हमारा जैसे रूम नहीं है हमको मिले, कुछ तो रह रहे हैं हम नीचे दरी पे रह रहे हैं, बहुत सुविधा का। अच्छा, टोटल कितनी क्लासें लगती है दिन में? क्लासें 5-6 लग जाती है, 4-5 कभी कभी। तो एक एक जो क्लास है वो कितने मिनट की होती है? 45 मिनट की। तो 5 क्लासें आपने कहा, अगर लगातार ये 5 क्लासें लगती है तो फिर आपको कितना कंफर्टेबल होता है नीचे दरी पे पढ़ाई करना? कंफर्टेबल तो होता नहीं है, पर कर रहे हैं अभी एडजस्ट थोड़ा। यहाँ पे टीचर के पास, टीचर बोलते हैं कि नहीं हमारे पास रहने की सुविधा नहीं है ना, तो जैसे 2-3 महीने के बाद ये बोलते पेपर हो जाएंगे सीनियर्स के, उसके बाद हम फिर आपको लिए कम रूम उपलब्ध करा देंगे।